चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। तीन चरण संपन्न हो चुके हैं, यानी आधा चुनाव संपन्न हो गया है। आधा चुनाव संपन्न होने का मतलब अब परिणाम के रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और पहली बार है कि पहली बार यह दिखाई दे रहा है कि तीन चरणों के चुनाव के बाद पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। मोदी सरकार के बारे में लोगों के मन में एक भाव है, बहनों और भाइयों, ये भाव इसलिए भी है क्योंकि जनता जनार्दन इस बात को जानती है और उनके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, ये होना भी है। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है। वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा क्या? क्या लाहौर और कराची में बनेगा क्या? अरे अयोध्या तो भगवान राम की पावन जन्मभूमि है और कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था की भूमि है, हमारा पवित्र धाम है। बहनों और भाइयों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग अयोध्या गए हैं राम मंदिर बनने के बाद? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में गए हैं। लेकिन जो लोग बचे होंगे, मैं यहां के विधायक निर्मल वर्मा जी को, पवन चौहान जी को और राजेश वर्मा जी से कहूंगा बाकी लोगों को लेकर एक बार फिर से अयोध्या का दर्शन करवा दीजिए। आज की अयोध्या को अगर आप देखेंगे ना, आपको त्रेता युग का रामायण काल याद आ जाएगा कि भगवान राम के समय में अयोध्या ऐसे सुंदर रही होगी। और काशी में चले जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे सतयुग सामने आ गया, साक्षात सतयुग के दर्शन हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही हम लोग यहां पर नैमी सारण का विकास भी करने जा रहे हैं। नैमी सारण के लिए भी ऐसी बड़ी कार्य योजना लेकर के हम लोग आ चुके हैं। नैमी सारण के विकास का मतलब ढेर सारे विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। फोर लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहां पे यात्री विश्रामालय बनेंगे, गोमती नदी का रिवर फ्रंट के रूप में डेवलपमेंट होगा, मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्यक्रम होगा। वहां अंदर पे हरेक व्यापारी को पुनर्वास की बेहतरीन व्यवस्था दी जाएगी, नए होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक बस की सेवा के साथ लखनऊ के साथ जुड़ने जो सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा के साथ भी हम जोड़ने जा रहे हैं। सीधे हेलीकॉप्टर से लोग पहुंच करके जिसको भी आना है आराम से आ जा सकता है। और
धीरे धीरे करके मेट्रो भी लखनऊ से बाहर आकर के वहां तक पहुंचेगी। बहनों और भाइयों, विकास इसी से आगे बढ़ेगा। जैसे यहां पे शरद चौधरी ने बनाया, आपने देखा होगा कैसे उन्होंने यहां पे एकेडमी बनाई है, स्टेडियम बनाया है, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए कैसे नौजवानों को तैयार होना है। ऐसे ही एकेडमी को विकसित करने के लिए सरकार के स्तर पर भी भरपूर सहयोग किया जाएगा, जिससे हमारा युवा आत्मनिर्भर बन सके।